हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। CAA, NRC और NPR को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, नए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में यूपी के कई शहरों में हिंसा देखने को मिली। बुलंदशहर में 20 दिसंबर को हुई हिंसा की जांच में सामने आया कि हिंसा के दौरान कुछ बाहरी लोग शामिल थे, जिसके बाद पुलिस बुलंदशहर बाहर से आने वाले लोगों की जांच में लगा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस द्वारा बाकायदा बाहर से आए जमातियों के आधार कार्ड व अन्य नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की इस जांच में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी समाज के लोगों से पुलिस से सहयोग की अपील की है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गैर जनपद से बुलंदशहर आए जमात में शामिल जमातियों के दस्तावेज देखे जा रहे हैं। बाकायदा जमातियों के आधार कार्ड देख उनकी शिनाख्त की जा रही है। वो भी सिर्फ जुर्म से पहले सतर्कता बरतने के लिए, कहीं बाहरी तत्व बुलंदशहर में आकर माहौल न बिगाड़ सके। हालांकि बुलंदशहर में इमाम और सभासद ने बुलंदशहर के SSP से जमातियों के आधार कार्ड आदि देखे जाने के दौरान सहयोग करने की अपील की और SSP ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। जी, अभी आज की मीटिंग के अंदर DM साहब की और कप्तान साहब की बातचीत हुई है, उससे काफ़ी हद तक हम मुतमईन हैं। एक हमारी गुजारिश है कि ये जमात के लोग बाहर से आते हैं और एक इस्लाह, अपनी इस्लाह भी के लिए दूसरों की भी फिक्र लेकर आते हैं, तो उनके साथ ज़रा सा रियायत का मामला किया जाए कि उनकी तलाशी ले ली जाती है, उसमें ज़रा सी रियायत रखी जाए। क्या मानते हैं आप, जो जमातें उनको परेशान किया जाता है? नहीं नहीं, परेशान नहीं किया जाता है। ऐसे वक्त में जैसे कल भी जमात आ रही थी तो उसे भी देख करके उसकी तलाशी ली गई, कल ये परसों रोका गया, तो कितनी गुजारिश थी ये थी। दरअसल जमात जो आ रही हैं उनको थोड़ा परेशान किया जा रहा है, वो शक में जो है डाल रही है प्रशासन के, पता नहीं कौन है, बाहर से कुछ झगड़ा कराने तो नहीं आ रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक सालों से जमात का काम होता आ रहा है और वो शांति की बात करते हैं, अपने मज़हब की बात करते हैं, दुनिया से कोई लेना देना उनका है नहीं। तो हम इन प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहते हैं, उनको परेशान न किया जाए। देखिए, हम लोगों का मकसद यह है कि शांत व्यवस्था बनी रहे और कल जुमा भी है, तो लोगों में किसी प्रकार का दहशत भय का माहौल न रहे, लोग कॉन्फिडेंट हों और प्रशासन भी कॉन्फिडेंस के मूड में रहे। इसलिए बहुत लोअर लेवल पे, बिल्कुल कस्बा स्तर पे, निचले स्तर पे जा करके लोगों को जगह जगह समझाने का प्रयास हो रहा है। उसी क्रम में यहाँ पीस कमेटी की एक बैठक थी, जिसमें शहर के तमाम इमाम और स्थानीय लोग आए हुए थे, उनसे वार्ता की गई, उनके भ्रम दूर किए गए और पुलिस की ओर से भी उनको किसी तरह से भयभीत न रहने के लिए एक हिम्मत बधाई गई। तो लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम इस उम्मीद में हैं कि एक बेहतर शांत व्यवस्था बनी रहे। देखिए, तमाम मस्जिदों में जगह जगह से बाहर से जमाती आए हुए हैं, कई बार पुलिस के पास सूचना आती है कुछ मस्जिदों में बाहरी लोग आके रुके हैं, तो वेरिफिकेशन हो रहा है। उसी संबंध में उनका अनुरोध था कि जो बाहर के जमाती हैं और धार्मिक उद्देश्य से आए हैं तो उनका किसी रूप में उत्पीड़न न हो, उन्हें आश्वस्त किया गया। बिल्कुल, हम लोग इस संबंध में संवेदनशील हैं और इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि बुलंदशहर SSP की ओर से मुस्लिम धर्म गुरुओं को आश्वासन दिया गया कि बाहरी लोगों की कागजी जांच बुलंदशहर में महज शांति कायम रखने के लिए की जा रही है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु भी प्रशासन की हर जांच में पूर्ण जांच सहयोग करने का भरोसा दे रहे हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।